बहुद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान कराया, मुनादी उस वक़्त होती थी कि जो मुझे देखेगा आज जो ज़ियारत करेगा वो जन्नती है। अब ये मुनादी होते हुए यहाँ से गुजर रही है, ये दरवाजे में बाबा फरीद गंज शकर खड़े हैं, अंदर ख्वाजा बख्तियार काकी बैठे। ये वाक्या पीर साहब से मैंने सुना है, किताबों में बाद में पढ़ा है, लेकिन मुझे इतना पता है, ये हाफ़िज़ साहब ने सुना है पीर साहब से, मुझे इतना पता है कि जुनाबे पीर साहब इसको बयान कर रहे थे, यूं पता चलता था कि बाहर मुनादी हो रही है, बहाउद्दीन ज़करिया आ रहे हैं, उधर ख्वाजा बख्तियार काकी है, इधर ख्वाजा गंजे शकर खड़े हैं, सामने नजर आता था। मैंने उनसे पहले सुना है, किताबों में बाद में पढ़ा है। यकीन करें ऐसे वाकया जिनकी बात घर की बात हो उनको पता होता है, बाहर वाले जो कहते रहे उनके लिए दुआ है अल्लाह उनको अकल अता करे, उनको अकल अता करे। जब वो जनाब ने बयान करना शुरू किया, यकीन करें वो सीन सामने चलना शुरू हुआ। अच्छा, मुनादी हो रही है, मुनादी हो रही है, जो देखेगा जन्नती, जो देखेगा जन्नती, जो देखेगा जन्नती। जो ही सामने भी वो सवारी पहुंची थी तो वहां खड़े बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर दौड़ते हुए सीधा ख्वाजा बख्तियार काकी के कदमों में गिर गए। उन्होंने कहा, फरीद जन्नत नहीं लेनी? उसने कहा, हजूर मेरी जन्नत इधर है। मेरी जन्नत इधर है। और बहाउद्दीन ज़करिया वो शख्सियत थी कि बख्तियार काकी भी उनको मानने वाले थे, ऐसे आम शख्सियत नहीं थी, गौस के मकाम पे फायज थे, और उसके अलावा भी बहुत शेख कबीर अल मुनीर उनका लकब है, कोई आम शख्सियत वो नहीं, हजूर की बहुत ही पसंदीदा फूल है। तो उन्होंने छोड़ा और मुर्शिद की बख्तियार काकी के पाँव, मेरी जन्नत इधर है। उसके बाद कहा, ठीक है अब जा, तेरे दरवाजे से भी जो गुजरे तो जन्नती। आज बहिश्ती खुलता है, फिर बहिश्ती टप के आते हैं। तो क्या था, यकसुई, इस कदर यकसुई, ना एक इंच इधर ना एक इंच इधर, ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ एक वाहिद, एक वाहिद, एक इको एक तचिको छे, इको एक तचिको छे, सारा कुछ एक तरफ, आप बावफा रहे और यकसूर हैं। मुर्शिद को पकड़ने के बाद और बैत होने के बाद सिर्फ दो काम कर लें, बावफा रहे और यकसूर हैं, सारा कुछ इसी में है, सारा कुछ इसी में है।